नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo V30 Pro 5G वर्सेस iQOO Neo 9 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो V30 Pro 5G में 6.47 इंच जबकि Neo 9 में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि V30 Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो V30 Pro 5G में 2.96 इंच जबकि Neo 9 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो V30 Pro 5G में 0.29 इंच जबकि Neo 9 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि V30 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो V30 Pro 5G में 188 ग्राम जबकि Neo 9 में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1260x2800px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो V30 Pro 5G में 89.91% जबकि Neo 9 में 89.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 453 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो V30 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और Neo 9 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो V30 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Neo 9 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो V30 Pro 5G में माली G610MC6 जबकि Neo 9 में Adreno 740 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो V30 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8200MT6896Z और Neo 9 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 मिलता है। बात करें रैम की तो V30 Pro 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की रैम मिलती है, जबकि Neo 9 में एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 12GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो V30 Pro 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB 512GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Neo 9 में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी V30 Pro 5G में 5000 mAh जबकि Neo 9 में 5160 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो V30 Pro 5G में 2 कलर्स जबकि Neo 9 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो V30 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं।
जिसमें कि 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 40,300 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 512 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 46,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें नियो 9 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 26,890 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo V30 Pro 5G में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें IQOO Neo 9 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Neo 9 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो F25 Pro 5G है, दूसरा नथिंग फोन 2A 5G है, तीसरा Vivo V30 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A55 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।